जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे माई एस क्यू एल की। जिस तरीके से मैंने PHP के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ काम करेंगे PHP में, तो ये तमाम काम तकरीबन हमारे हो गए हैं। ऑपरेटर्स पे हमने बात कर ली है, बेसिक थिंग्स, वेरिएबल, डेटा टाइप और ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट्स, HTTP प्रोटोकॉल और सुपर ग्लोबल एरे। इसके अंदर भी हमने तकरीबन सब पे, सर्वर पे, गेट पे, पोस्ट पे, कुकी, फाइल, सेशन, रिक्वेस्ट, सब पे हम बात कर चुके हैं। स्विचिंग, फ्लो, लूप्स, ये भी हो चुका है हमारा। स्ट्रिंग फंक्शन, टाइम एंड डेट फंक्शन और फंक्शंस के फंक्शन वगैरह किस तरह बनाते हैं, इस पे भी बात हो गई। एरे और ये PHP HTML फॉर्म, सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो मैंने छोड़ दिया है इसके अंदर। और उसकी वजह यही मैंने आपको बताई थी उस एक वीडियो में कि HTML5 जो है उसके अंदर हम इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। HTML5 जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन का काम दे देती है। उसके बाद कुकी भी हमने कर लिया है, सेशन, सम फंक्शंस और वेरिएबल हैंडलिंग, ये भी हम कर चुके हैं। बुफरिंग पे, फाइल और डायरेक्टरी वगैरह कैसे बनाते हैं, इस पे भी हमने काम कर लिया है। और फाइल का ग्लोबल एरे जो है वो भी हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं MySQL की। तो MySQL का छोटा सा तारुफ जो है वो इसका इंट्रोडक्शन में भी हुआ था, बाकी इसमें कर देते हैं कि MySQL क्या है। MySQL जो है वो ओपन सोर्स एक वेरी फास्ट एंड सिक्योर RDBMS है। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। और इसके अंदर जो है वो मल्टी यूज़र होता है, मल्टी थ्रेड डेटाबेस वगैरह हम इसमें बना सकते हैं। और SQL जो है वो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की शॉर्ट फॉर्म है। और ये बहुत सारी वेबसाइट्स में जो है वो MySQL इस्तेमाल होता है। हाई प्रोफाइल लार्ज स्केल वेबसाइट्स के ऊपर, जैसे गूगल, फेसबुक, जितनी भी वेबसाइट्स हैं। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी था कि ये कहाँ कहाँ, जुमला, वर्डप्रेस, ड्रॉपल, मेजेंटो, ब्लॉगर, इन सब में ये जो है MySQL इस्तेमाल होता है। MySQL काम कैसे करता है कि जैसे हम अपने कंप्यूटर से किसी भी वेबसाइट का एड्रेस देते हैं, कोई भी जो है वो रिक्वेस्ट हम यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं, तो वो इंटरनेट पे जाती है, इंटरनेट पे फिर सर्वर पे जाती है। और सर्वर में अगर उसके अंदर डेटाबेस कुछ होता है, अगर वो PHP के कोड होते हैं, तो वो HTML में कन्वर्ट होकर वापस हमारे कंप्यूटर पर आ जाता है। और अगर उसमें कोई डेटाबेस की चीज़ होती है, तो फिर वो पहले PHP जो है वो उसको डेटाबेस में से लेता है सर्वर में, और डेटा MySQL के डेटाबेस में से लेके फिर वो HTML पे कन्वर्ट करके हमें हमारे कंप्यूटर पे जो है वो देता है। तो अब मज़ीद बाकायदा इसके ऊपर बात करेंगे हम कि MySQL क्या है, इसके अंदर किस तरीके से टेबल वगैरह बना सकते हैं और तमाम काम इसके अंदर कैसे हम कर सकते हैं। तो डेटाबेस जो है वो एक तरह यूँ समझें आप कि एक ज़खीरा होता है, मजमू होता है, कॉम्बिनेशन होता है, एक मुनज़्ज़म तरीके से डेटा को महफूज करने के लिए, डेटा को सेव करने के लिए, ठीक है। और इसकी मिसाल ऐसे है जैसे डेटाबेस में एक कंटेनर्स का नाम है, डेटाबेस यूँ समझने जैसे एक कंटेनर का नाम है जो डेटा के मजमू पर मुश्तमिल होता है। जैसे एक कैबिनेट या छोटी सी अलमारी होती है, उस अलमारी में बहुत सारी दराजें होती हैं और हर दराज में मुख्तलिफ फाइलें होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से डेटाबेस के अंदर हम मुख्तलिफ टेबलें वगैरह जो है वो क्रिएट करते हैं और उन टेबलों में फिर हम डेटा जो है वो सेव करते हैं। एक टेबल में एक ख़ास किस्म का डेटा जो है वो लिस्ट की शक्ल में महफूज होता है, और डेटाबेस में हर टेबल का एक ख़ास नाम होता है जिससे हम इसको शिनाख्त कर सकते हैं इसको। और डेटाबेस में हम सिर्फ एक ही नाम के दो टेबल नहीं बना सकते, हर टेबल का जो है वो नाम अलग अलग होता है। और जब हम किसी टेबल में एक कॉलम बनाते हैं, तो इसका डेटा टाइप भी हम तय करते हैं, और इसमें हम किसी भी किस्म का डेटा जो है वो महफूज कर सकते हैं। जिस तरह वेरिएबल्स में हमने देखा कि मुख्तलिफ वेरिएबल्स के टाइप होते हैं, इसी तरीके से इसी तरह इसके अंदर भी, MySQL के अंदर भी जो है वो डेटा की कुछ टाइप्स होती हैं जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। और हर टेबल में एक ऐसा कॉलम होता है जो रिकॉर्ड्स में किसी रो को जो है वो शिनाख्त करता है, और वो यूनिक होता है। उसको यूनिक बनाने के लिए हम उसको जो है वो एक प्राइमरी की दे देते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू हर रो पर जो है वो यूनिक होगी, और ये प्राइमरी की कहलाता है। फिर उस कॉलम को हम प्राइमरी की बनाते हैं जिसकी वैल्यू डुप्लीकेट होने का हमें खदशा ना हो, और ना ही हम उस कॉलम में वैल्यूज़ की डुप्लीकेट उसको कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा इसमें यूनिक आ रही होगी। अच्छा, अपने इस कोर्स के अंदर मैं आपको जो है
MySQL के लिए बहुत सारे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, आप वो भी सर्च कर सकते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं MySQL के लिए। एक MySQL क्यूरी ब्राउजर के नाम से आता है, एक MySQL एडमिन के नाम से आता है, और भी इसके अलावा मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम जो काम करेंगे वो PHP माई एडमिन के ऊपर करेंगे, और इसके अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी हमारी, ये इंट्रोडक्शन ऑफ PHP माई एडमिन। PHP माई एडमिन के ज़रिए हम SQL के ऊपर काम करेंगे। SQL जो है वो एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है जो डेटाबेस के साथ बातचीत करती है, एक तरह जिस तरह हमारी और लैंग्वेज है PHP वगैरह, C# या और दूसरी जावास्क्रिप्ट वगैरह, तो लेकिन ये इस तरह की नहीं है, ये सिर्फ चंद मखसूस अल्फाज पर मुश्तमिल है ये लैंग्वेज, और ये ख़ास तौर पर किसी डेटाबेस से रिकॉर्ड हासिल करने और उसको ख़त्म करने, चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको बातें समझ में आई होंगी, बाकी हम जब इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे PHP माई एडमिन पे, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो अब अगली वीडियो में हम जो है वो PHP माई एडमिन का तारुफ देखेंगे, और उसके साथ फिर हम SQL के ऊपर भी काम करना शुरू करेंगे।